गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चैप्टर 13। आज हम क्या करेंगे? चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लगभग समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। लगभग समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है? समानार्थी। और दूसरा क्या है? पर्यायवाची। पहला क्या है? समानार्थी, और दूसरा पर्यायवाची। और अगला क्या है? ये दोनों। क्या है? ये दोनों, समानार्थी पर्यायवाची या ये दोनों। तो इसमें क्या आएगा? ये दोनों। क्या आएगा? ये दोनों। लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अगला क्या है? समुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। समुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी सिंधु दंती। तो क्या नहीं है इसका? दंती। अगला क्या है? निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तो पहले किसके लिखने हैं पर्यायवाची? जल के। तो जल के पर्यायवाची क्या होते हैं? नीर, पानी, अंबू। नीर, पानी, अंबू। जल के पर्यायवाची क्या होते हैं? नीर, पानी, अंबू। अगला क्या है? पहाड़। अगला क्या है? पहाड़। तो पहाड़ के पर्यायवाची क्या होते हैं? गिरी, नग, सेल। गिरी, नग, सेल। पहाड़ के पर्यायवाची क्या होते हैं? गिरी, नग, सेल। अगला क्या है? बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? घन, नीरद, तोयद, तोयद। बादल के पर्यायवाची क्या होते हैं? घन, नीरद, तोयद। अगला क्या है? माता। माता के पर्यायवाची क्या होते हैं? जननी, माँ, धात्री, धात्री। अगला क्या है? तालाब। तालाब के पर्यायवाची क्या होते हैं? सुधा। तालाब के क्या होते हैं? तालाब के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सॉरी, क्या होते हैं? ताल, ताल, जलाशय, जलाशय, ताल, जलाशय, सरोवर, सरोवर। तालाब के क्या होते हैं? ताल, जलाशय, सरोवर। अमृत के क्या होते हैं? शुद्धा, पीयूष, पीयूष, सोम, सोम। अमृत, अमृत के क्या होते हैं? शुद्धा, पीयूष, सोम। तालाब के ताल, जलाशय, सरोवर। जल के क्या होते हैं? नीर, पानी, अंबू। पहाड़ के गिरी, नग, सेल। बादल के घन, नीरद, तोयद। माता के जननी, मां, धात्री। तालाब के ताल, जलाशय, सरोवर।
अमृत के शुद्धा पीयूष सोम। अगला क्वेश्चन क्या है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है, कोष्टक से उचित स्थान चुनकर क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। आकाश का अन्य नाम है अंबर। आकाश का अन्य नाम है अंबर। अग्नि को भी कहते हैं, अग्नि को भी कहते हैं अनल। अग्नि को भी कहते हैं अनल। गाय को भी कहा जाता है धेनु। गाय को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धेनु। पानी को भी कहते हैं जल। पानी को भी क्या कहते हैं, जल। पानी को जल भी कहते हैं। आकाश का अन्य नाम अंबर है। अग्नि को अनल भी कहते हैं। गाय को धेनु भी कहा जाता है। पानी को जल भी कहते हैं। तो ये क्या हो गए, इनके पर्यायवाची हो गए। अगला क्या है, उचित पर्यायवाची शब्द पर गोला बनाइए। रजनी, रजनी का पर्यायवाची क्या होता है, रजनी किसका पर्यायवाची है, किसका है, रात का। तो क्या होता है, रात्रि। पेड़, पेड़ का क्या होता है, वृक्ष। वन, वन का क्या होता है, क्या होता है, अरण्य। नदी, नदी का क्या होता है, तरंगिणी, तरंगिणी। माता, माता का क्या होता है, धात्री। तो ये क्या है, इनके पर्यायवाची शब्द है, क्या है, इनके पर्यायवाची शब्द है। जल का क्या होता है, नीर, पानी, अंबु, पहाड़ का गिरी, नग, सेल। बादल का घै, नीरज, तोयद। माता का जननी, माँ, धात्री। तालाब का ताल, जलाशय, सरोवर। अमृत का शुद्धा पीयूष सोम। तो ये क्या हो गए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए। तो आज आप क्या करोगे, पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, इसको अच्छे से समझोगे, फिर ये जो क्वेश्चन आंसर है उनको क्या करोगे, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे, क्या करोगे, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और फिर इनको अच्छे से लर्न करोगे, क्या करोगे, इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है, पहले चैप्टर 13 को अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है, फिर क्या करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है, फिर इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू बच्चों।